चार पार्टी मिलकर एक अपना प्रेसिडेंट बनते हो गए, तो आने वाले दिनों में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी बाय इलेक्शन? देखियो, बाय इलेक्शन में अभी आज के दिन में तो हम लोग जेडीएस और कांग्रेस आज जो नगर सभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए जो मतदान किया है, एमआई के साथ में मिलके तीनों पार्टी एक होकर के उन्होंने मतदान किया है, तो स्वाभाविक रूप से आगे आने वाले बाई इलेक्शन में भी या उनका कैंडिडेट अलग अलग खड़े होने के बावजूद भी वो एक ही रहेगा, उसके खिलाफ उनका जो चोर खेल है उसके खिलाफ मतदाता वोट करना, यह हमारी रणनीति रहेगी। बसव कल्याण नगर सभा चुनाव अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव चुनाव सदर्भली कांग्रेस जे डी एस एम ई एम परस्पर होड़दाड़ चुनाव सदर्भली अल दुश्मनी माकी इवत नगरसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव और दोस्ती आगे कांग्रेस ना सेक्युलर अंत जातीत पक्ष अंत जे डी एस दगे जातीत ब्राकेट बर उपाध्यक्ष जातीत अंतरवत भारतीय जनता पक्ष नावे ना चुनाव नम अध्यक्ष उपाध्यक्ष आगुंत संख्य जे डी एस कांग्रेस एम ई एम और कल्लाट नोड़ नानु आ नगरसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव भाग इवतु अध्यक्ष स्थान के कांग्रेस अभ्यर्थी और हर संख्य आय्के कांग्रेस जे डी एस सेरी इवतु एम ई एम जातीय पक्ष आ पक्ष की मतदान उपाध्यक्ष आय्के बसव कल्याण नगर एला महाजनते अर्थ आगु कईदार हिंदे वर्षद हिंदे कांग्रेस जे डी एस एम ई एम यीति बैक आरोप चुनाव महाजनते मतलब कैदे वबरीगोबर कई मेलेकारी जोते कूड़ा बसव कल्याण तालूक महाजनते कूड़ा नानु नगर सभ्य नड़दर कुतंत्र कांग्रेस जे डी एस एम ई एम कल्लाटवत ना पत्रिके मुखातर ना बैलम बंद ग्रामीण भागदलू कूड़ा ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವಂತ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂತಂತ ನಾವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಗತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಇಗತ್ತು ಕಳ್ಳಾಟವನ್ನ ಬಯಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಳ್ಳಾಟ ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆದಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ।